आपकी टीचर आप पे बहुत चिल्लाती है जबकि आपकी मिस्टेक नहीं होती। नेवर एवर गिव अप अपॉन योर सेल्फ रिस्पेक्ट। देखो, जब तक आप ट्राई नहीं करोगे चीज़ें तब तक आपको नहीं पता चलेगा कि ये प्रॉब्लम का ये सॉल्यूशन हो सकता है। जब मैं अपने स्कूल डेज में था, मैं हमेशा एक साइलेंट बच्चा था कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट कोई हर्ट ना करे। लाइक छोटी छोटी बात पे मुझे गुस्सा आता था। आपको अपने आप को कभी अंडर एस्टिमेट बिल्कुल भी नहीं करना। क्या आप कभी ऐसे सिचुएशन में फंसे हो जहां पर सामने वाला आपके साथ बहुत ही रूड वे में बात कर रहा है पर आपको पता ही नहीं है कि आप उसको कैसे रिस्पॉन्ड करें? बहुत बार ऐसा होता है, अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो, आपकी टीचर आप पे बहुत चिल्लाती है जबकि आपकी मिस्टेक नहीं होती। या फिर अगर आप ऑफिस में काम करते हो तो हो सकता है आपका बॉस या फिर आपको मैनेजर बहुत ज़्यादा आप पे चिल्लाता हो बट आपको पता ही नहीं है कि ऐसे सिचुएशन में कैसे रिस्पॉन्ड करना है। सो आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं 3 पावरफुल सीक्रेट्स जिससे कि अगर कोई भी आपसे रूडली बात कर रहा है तो आप उस सिचुएशन को कैसे हैंडल कर सकते हो। देखो, सिचुएशन या फिर सॉल्यूशन देने से पहले मैं आपको एक चीज़ कहूँगा कि नेवर एवर गिव अप अपॉन योर सेल्फ रिस्पेक्ट। देखो, जैसे सबकी रिस्पेक्ट होती है, आपकी भी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एंड यू डोंट हैव एनी अथॉरिटी की कोई आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट करे। सो जब भी कोई किसी के साथ पोलाइट वे में बात कर रहा है तो आपको भी पोलाइट वे में बात कर रहा है, पर अगर कोई रूड बात कर रहा है तो आप ये 3 स्टेप सॉल्यूशन जो है अप्लाई कर सकते हो। सो अभी हम एक एक करके देखेंगे कि वो कौन से सॉल्यूशंस है। सबसे पहला है, टेक अ डीप ब्रेथ एंड ट्राई टू स्टे काम। आई नो बहुत मुश्किल होता है बिकॉज आपको पता है कि सामने वाला बहुत रूडली बात कर रहा है, वो बहुत गुस्से में बात कर रहा है एंड आपको मैं बोल रहा हूँ टेक अ डीप ब्रेथ एंड ट्राई टू स्टे काम, बिकॉज देखो अपोजिट पोल अट्रैक्ट्स। अगर सामने वाला रूड है तो आपको पोलाइट रह के बात करनी है। माना कि वो इतना ज़्यादा इजी बिल्कुल भी नहीं होता पर आपको वही करना होगा। अगर सामने वाला भी गुस्से में, आप भी अगर गुस्सा कर रहे हो, आप भी उसके साथ रूड बन रहे हो, देन डेफिनेटली आप में और उसमें कोई फ़र्क नहीं रहा एंड आपको वो फ़र्क, आपको वो डिफरेंस ला के दिखाना है। एंड वो कैसे होगा? ट्राई टू स्टे काम इन एवरी सिचुएशन वेन एवर यू फील के सामने वाला आपके साथ रूडली बात कर रहा है। देखो, इसमें ना 2 इंस्टेंसेस होते हैं। सबसे पहला होता है, या तो वो स्ट्रेंजर है एंड आपके साथ रूडली बात कर रहा है एंड ये वाली सिचुएशन ज़्यादा करके वहाँ पर होती है जहाँ पर आप पब्लिक प्लेस में जाते हो या फिर आप ट्रेन में जा रहे हो, आपको कोई धक्का लग गया, या फिर अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो लोकल ट्रेन में या फिर जो नॉर्मली ब्लू कलर की ट्रेन होती है जहाँ पर जिसमें हम गांव एंड ऑल जाते हैं, तो वहाँ पर भी ऐसे सिचुएशंस हो सकते हैं। सो पब्लिक प्लेसेस में आपको ये सिचुएशन हो सकती है जहाँ पर स्ट्रेंजर्स आपके साथ रूडली बात करें। दूसरा होता है फैमिली मेम्बर, रिलेटिव्स या फिर आपके सीनियर अथॉरिटीज़, इनके साथ आप अच्छे से डील कर सकते हो। स्ट्रेंजर्स का तो डेफिनेटली ये एक चीज़ होती है कि आप उनके साथ बाद में वापस कभी नहीं मिलने वाले हो, बस वो आपके साथ एक ही बार हुआ एंड वो किस्सा वहीं पर ख़त्म हो गया। पर जो फैमिली होती है या फिर जो रिलेटिव्स होते हैं, जो आपके फ्रेंड्स होते हैं, जो आपके कलीग्स होते हैं, जो आपके सीनियर अथॉरिटीज़ होते हैं, उनके साथ तो आपको काम करना है, उनके साथ तो आपको डेली अपना टाइम शेयर करना है, देन आपको उनके साथ लॉन्ग टर्म में काम करना है, तो आप उनको कैसे अवॉइड कर सकते हो? सिंपल सी चीज़ है, आप उनको डायरेक्टली बोल सकते हो कि क्या हम कामली बात कर सकते हैं, क्या हम ये वाला जो सिचुएशन है क्या हम इसको इस तरह से हैंडल कर सकते हैं, क्या कन्वर्सेशन के थ्रू ये मिसकम्युनिकेशन हमारे बीच जो हुआ है क्या हम उसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप इस तरह से एक डीप ब्रेथ लेके काम डाउन करने की कोशिश करोगे देन डेफिनेटली ये चीज़ होगी आपके लिए। देखो, जब तक आप ट्राई नहीं करोगे चीज़ें तब तक आपको नहीं पता चलेगा कि ये प्रॉब्लम का ये सॉल्यूशन हो सकता है। सो डेफिनेटली आप ये फर्स्ट सॉल्यूशन ट्राई कर सकते हो। दूसरा है, डोंट स्टूप टू देयर लेवल का मतलब है आपको उनके जैसा नहीं बनना है। देखो, मेरे साथ है ना एक सिचुएशन हुआ था, जब मैं अपने स्कूल डेज में था, मैं हमेशा एक साइलेंट बच्चा था एंड इंट्रोवर्ट टाइप ऑफ पर्सन था। मैं किसी से ज़्यादा बिल्कुल भी बात नहीं करता था। मेरा बेंच पार्टनर था सिद्धार्थ। मैं सिद्धार्थ के साथ जब भी बात करता था ना, वो हमेशा मेरे साथ पोलाइट वे में बात करता था, पर अगर कोई और क्लास से, हमारे क्लास में ब्रेक में, कोई लंच में अगर कोई आता था
एंड वो अगर कोई रूडली बात करता था ना किसी भी क्लास मेंबर से, तो सिद्धार्थ हमेशा जाके उनसे बात करता था, पोलाइट वे में करता था। अगर पोलाइट वे में ना समझे देन डेफिनेटली थोड़ा सा ऊंचे लेवल पे बात करके वो सॉर्ट आउट करता था। बट हमेशा ये तरीका नहीं होता कि आप उनके लेवल पे जाके समझाओ, आपको पहले पोलाइटली बात करनी होती है। एंड ज़्यादा से ज़्यादा आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट कोई हर्ट ना करे। अगर आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट की वैल्यू करते हो, अगर आप चाहते हो कि आपको सेम लेवल ऑफ रिस्पेक्ट मिले जो कि आप दे रहे हो सामने वाले को, देन हमेशा हम्बल रहो एंड पोलाइट रहो सामने वाले के साथ। एंड आपके साथ भी ये चीज़ हुई होगी, अगर घर पे आपके आपके मॉम ने कुछ कह दिया या फिर डैड ने कुछ कह दिया, आपके फ्रेंड्स ने या फिर कोई फैमिली मेम्बर ने कुछ कह दिया, तो आप बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हो। एंड गुस्सा होने के 10-15 मिनट के बाद या फिर 2-3 घंटे के बाद आपको लगता है अरे यार मैंने गुस्सा क्यों किया था। ये चीज़ होती है, ये चीज़ मेरे साथ भी हुई है। अभी तो मैं इतना गुस्सा नहीं होता हूँ, मैंने अपने आप को बहुत कंट्रोल कर लिया। अगर चार पाँच साल पहले अगर आप मुझसे पूछते हैं, देन मैं बहुत गुस्सा करता था, लाइक छोटी छोटी बात पे मुझे गुस्सा आता था। सो आपको अपना एंगर कंट्रोल करना होगा एंड आपको उनके लेवल पे जाके बिल्कुल भी बात नहीं करनी है। लास्ट इज आस्क क्वेश्चन टू क्लैरिफाई द सिचुएशन। आप है ना क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हो। क्रॉस क्वेश्चन आपको लॉन्ग टर्म में या फिर हाई टोन में बिल्कुल भी नहीं करना है। आप क्रॉस क्वेश्चन जो करोगे पोलाइट वे में करोगे। मान लो आपको कोई चिल्ला रहा है कि ये क्या काम किया है, ये तो कुछ भी नहीं है, ये वाला वीडियो मुझे पसंद नहीं आया या फिर ये कैप्शन मुझे पसंद नहीं आया, सो आप डायरेक्टली बोल सकते हो आप चिल्ला क्यों रहे हो, आप चिल्ला क्यों रहे हो। आप पोलाइट वे में भी बात कर सकते हो। अगर सिर्फ आप इतना बोलोगे देन डेफिनेटली सामने वाले को भी लगेगा कि हाँ यार मैं अपना हाई टोन में बात कर रहा हूँ इससे, तो मैं क्यों चिल्ला रहा हूँ, राइट। एंड ये वाली टेक्निक जो है मेरे फ्रेंड ने बोली थी, जो मैं आपको यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ, एंड बिलीव मी दिस वर्क्स। अगर कोई भी आपको चिल्लाए ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 मिनट तक, तो आप डायरेक्टली उन्हें बोल सकते हो ये वाला सेंटेंस एंड वो ऑटोमेटिक काम हो जाएंगे। दूसरी चीज़ आती है कि यार आप है ना हमेशा ये मत सोचो कि सामने वाला ये ऐसा क्यों बोल रहा है या फिर इसने मुझे ऐसा क्यों बोला होगा या फिर मैं उस लायक भी हो गया। नहीं, हम बहुत बार ऐसा होता है कि हम ओवर थिंकिंग करते हैं एंड ओवर थिंकिंग की वजह से ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग में बैठती हैं। एंड ये दिमाग में बैठने के बाद हम हमेशा ये समझते हैं कि मैं इसके लायक नहीं हूँ, मैं इस काम के लायक नहीं हूँ, ये मेरी दोस्ती डिजर्व ही नहीं करता एंड ऑल, यार ये मेरा गलत डिसीजन था। नहीं, आपको अपने आप को कभी अंडर एस्टिमेट बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपने अंडर एस्टिमेट करना स्टार्ट कर दिया, यू विल गेट अ डाउनफॉल इन लाइफ। सो ये 3 पावरफुल लेसन्स आप जो है अप्लाई कर सकते हो। मैं वापस से एक बार समराइज कर दूँ अगर इस वीडियो को, तो हमने सीखा पावरफुल स्टेप नंबर 1 इज टेक अ डीप ब्रेथ एंड ट्राई टू स्टे काम। कोई भी कितना भी गुस्सा करे, आपको एक टेक अ डीप ब्रेथ लेना है एंड आपको काम होके बात करना है। दूसरा हमने देखा डोंट स्टूप टू देयर लेवल। आपको उनके लेवल पे जाके कभी भी बात नहीं करनी। अगर आप उनके लेवल पे जाके अगर आप बात करने लग गए, देन आप में और उनमें कोई फ़र्क नहीं बचेगा। तो आपको हमेशा हैंडल करना है सिचुएशन काम वे में। एंड लास्ट हमने देखा आस्क क्वेश्चंस टू क्लैरिफाई द सिचुएशन। अगर कोई आप पे ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 मिनट तक चिल्ला रहा है, आप डायरेक्टली उनको बोल सकते हो क्यों चिल्ला रहे हो एंड वो भी आपको पोलाइट वे में बोलना है। अगर ये आप 3 पावरफुल स्टेप्स इस्तेमाल करोगे, अगर कोई भी आपके साथ रूड हो रहा है, देन डेफिनेटली आप उस सिचुएशन को इजीली हैंडल कर सकते हो। कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो का कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा पसंद आया एंड मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।